हेलो स्टूडेंट्स, तो इसके पहले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि पीएन जंक्शन फॉर्मेशन कैसे होता है। आज हम क्या देखेंगे कि जब पीएन जंक्शन डायोड को एक्सटर्नल पावर सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो उस पर क्या इफेक्ट होता है ना। तो देखो यही क्या है, पीएन जंक्शन डायोड है। पीएन जंक्शन डायोड कैसे फॉर्म होता है आपको मालूम है। इसमें एक तरफ पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है, एक तरफ क्या होता है एन टाइप, इधर एच 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 स्टैंड फॉर होल, ठीक है। इधर क्या होगा इलेक्ट्रॉन आई मीन नेगेटिव चार्ज, और इधर क्या होगा पॉजिटिव चार्ज आई मीन क्या होगा होल, ठीक है। यहाँ क्या होगा इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, समझ में आया। यहां एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं डिप्लीशन रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम डिप्लीशन रीजन, डिप्लीशन रीजन। तो ये अनबायस्ड सेमीकंडक्टर इसको बोलते हैं। अनबायस्ड का मतलब क्या हुआ कि देखो ये क्या है पी साइड है, ये पी टाइप, और इधर क्या होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो जब हम एक्सटर्नल पावर सप्लाई नहीं कनेक्ट है, दिस इज कॉल्ड विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन। क्या होता है विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन, ठीक है। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा इधर, और बैरियर पोटेंशियल क्या होगा, देखो इसको क्या होंगे, दिस इज कॉल्ड बैरियर पोटेंशियल वीनट, या इसको क्या बोलते हैं नी वोल्टेज बोलते हैं, और क्या बोलते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोलते हैं, बोलते हैं ना इसको, ठीक है ऐसे। तो अभी क्या है अनबायस्ड में क्या होता है विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन, मैंने उस दिन बताया था देखो कि यहाँ आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो जनरली क्या होगा कि पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो क्या होगा ऐसे कुछ क्या होगा बढ़ेगा, और पोटेंशियल एनर्जी नहीं आई मीन पोटेंशियल, यही क्या है दिस इज हाइट बैरियर पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। इधर आप यदि ग्राफ ड्रॉ करो वी वर्सेस एक्स आई मीन जंक्शन पोटेंशियल, ये क्या होगा इसके बाद क्या होता है हायर पोटेंशियल पे होगा, ये क्या होगा लोअर पोटेंशियल पे, इसको बोलते हैं क्या बैरियर पोटेंशियल, दिस इज विड्थ ऑफ द डिप्लीशन। अब एक इसको हम क्या बोलते हैं अनबायस्ड, क्या बोलेंगे अनबायस्ड सेमीकंडक्टर डायोड, सेमीकंडक्टर डायोड। अनबायस्ड में मैंने बताया था कि क्या होता है डिफ्यूजन करंट डी एफ का जो वैल्यू, कि डिफ्यूजन करंट किधर से होगा पी से एन की तरफ, और ड्रिप करंट का जो वैल्यू होता है ये क्या होगा आई ड्रिप्ट, दोनों क्या होता है सेम होता है। तो नेट करंट क्या हो जाता है आई जो होगा वो क्या होगा जीरो हो जाता है। ड्रिप करंट क्या होगा, क्योंकि इसमें क्या है देखो क्या होगा ड्रिप करंट जो टेम्परेचर डिपेंडेंट फेनोमेनन होता है, जितने डिप्लीशन रीजन में क्या होगा इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होंगे, तो यहाँ क्या कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बहुत ही ज़्यादा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड 10^5 मैंने कि बताया था 10^5 वोल्ट मीटर वोल्ट पर मीटर एग्जिस्ट करता है जंक्शन के अक्रॉस। तो ये क्या करता है जब इसमें इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है डिप्लीशन रीजन में तो उसको क्या करता है ड्रिप कर देता है, और उसकी वजह से जो करंट फ्लो होता है उसको हम क्या बोलते हैं ड्रिप करंट। तो अनबायस्ड डायोड में अनबायस्ड सेमीकंडक्टर में क्या होता है ड्रिप करंट एंड डिफ्यूजन करंट दोनों का वैल्यू क्या होता है सेम होता है, क्या होता है सेम होता है, इसलिए नेट करंट क्या हो जाता है जीरो हो जाता है। अब क्या होता है बायसिंग, बायसिंग का मतलब क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ, ये क्या हुआ दिस इज अनबायस्ड। तो बायसिंग में हम क्या करते हैं, बायसिंग ठीक है, बायसिंग इज द क्या होगा इज द क्या होगा प्रोसेस, प्रोसेस इन विच वी कनेक्ट कनेक्ट पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड बाय एक्सटर्नल पावर सप्लाई, एक्सटर्नल पावर सप्लाई क्या है एक्सटर्नल पावर सप्लाई से हम क्या करते हैं पीएन जंक्शन डायोड को क्या करते हैं कनेक्ट करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं बायसिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इसको बायसिंग बोलते हैं।
अब देखो दो तरह के बायसिंग होगा, बायसिंग जो होता है बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन, क्या होगा जंक्शन डायोड जो होगा वो दो तरह के होंगे, क्या हो गए हैं, एक को बोलते हैं क्या फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस, एंड दूसरे को बोलते हैं रिवर्स बायस, ठीक है। अब फॉरवर्ड बायस में क्या होगा ये हम क्या करेंगे वन बाय वन देखेंगे। देखो डिपेंडिंग ऑन द पोलैरिटी ऑफ द बैटरी या एक्सटर्नल पावर सप्लाई कि बैटरी का हायर टर्मिनल पी साइड से कनेक्टेड है या लोअर एन साइड कनेक्टेड है, उसके बेसिस पे बायसिंग को दो पार्ट्स में क्या किया गया है डिवाइड किया गया है, जिसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड बायस और क्या होगा रिवर्स बायस। तो फॉरवर्ड बायस में क्या होता है देखो फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायसिंग क्या किया जाता है, क्या किया जाता है पॉजिटिव टर्मिनल, क्या होगा पॉजिटिव टर्मिनल, टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड, कनेक्टेड टू टी साइड वाइल, क्या होगा वाइल निगेटिव टर्मिनल is connected, connected N side, ठीक है क्या होगा N side। अब देखो उससे क्या क्या इफेक्ट होगा, इसी से अपने को कंपेयर करना है कि फॉरवर्ड बायसिंग से क्या होगा। अब देखो जैसे ही क्या करोगे आप फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन अप्लाई करोगे तो देखो क्या होगा, सबसे पहले तो ये ध्यान देना है कि फॉरवर्ड बायसिंग से क्या होगा कि विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन जो होगा वो क्या होगा डिक्रीज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा माइनस, ऐसा क्यों होगा देखो एच 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 ठीक है ई ठीक है। तो ये क्या होगा देखो ये पी साइड है, अरे पी साइड में क्या होगा मेजोरिटी चार्ज कैरियर, कैरियर क्या है होल है, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है इलेक्ट्रॉन है, ये क्या होगा एन साइड, और दिस इज द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन। तो देखो यहाँ पी साइड जब बैटरी के हायर टर्मिनल आई मीन पॉजिटिव टर्मिनल क्या होगा पी साइड कनेक्ट होगा, और निगेटिव टर्मिनल क्या होगा एन साइड कनेक्ट होगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं फॉरवर्ड बायस बोलते हैं, क्या बोलते हैं फॉरवर्ड बायस बोलते हैं। अब देखो क्या होगा तो फॉरवर्ड बायस में जो करंट जो फ्लो होता है वो क्या होगा, इसको हम क्या बोलते हैं फॉरवर्ड बायस करंट। अब देखो क्या होगा इसका काम क्या होगा देखो ध्यान से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर एग्जिस्ट हो रहा है, जब क्या होगा कि बैटरी से कनेक्ट करोगे और ये पावर सप्लाई के बैटरी को क्या आई मीन ईएमएफ को क्या करो बढ़ाओ, तो देखोगे क्या होगा यहाँ बैरियर पोटेंशियल एग्जिस्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा होल इधर जब डिफ्यूज होगा तो क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा उसको रिपेल करेगा, आई मीन डिफ्यूज नहीं होने देगा, लेकिन जैसे ही इस क्या होगा इसका वैल्यू आई मीन ईएमएफ ऑफ एक्सटर्नल पावर सप्लाई का वैल्यू बैरियर पोटेंशियल से जस्ट इक्वल हो जाएगा या थोड़ा उससे ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा डिफ्यूजन करंट क्या हो जाएगा लार्ज अमाउंट में क्या होगा फ्लो होने लगता है नॉन लीनियरली, समझ में आया ना क्या होगा नॉन लीनियरली जो होगा लार्ज अमाउंट में क्या होता है फ्लो होने लगता है, ठीक है। तो देखो यहां से हम क्या लिखेंगे देखो ध्यान से क्या कि इफ इफ क्या होगा इफ इफ वी इज क्या होगा लेस देन, क्या होगा लेस देन वी नॉट, वी नॉट का मतलब क्या होगा जंक्शन पोटेंशियल या बैरियर पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल ठीक है, देन क्या होगा देन देन क्या होगा ड्रिफ्ट करंट, ड्रिफ्ट करंट करंट डिक्रीजेस ड्रिफ्ट करंट एंड
क्या होगा? डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन करंट क्या होगा? इफ या ऐसे, देन ड्रिप करंट एंड डिफ्यूजन करंट क्या होगा? आर इक्वल एंड नेट करंट जो होगा, नेट करंट क्या होगा? करंट विल बी क्या होगा? विल बी जीरो। ठीक है, समझ में आया ना? अब क्या होगा, ये समझ में आया ना? अब क्या होगा कि एज वी इंक्रीज फॉरवर्ड बायस वोल्टेज, क्या होगा? एज वी इंक्रीज क्या होगा? एज वी इंक्रीज, एज वी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा? वी नॉट, इसको न्यू वोल्टेज बोलते हैं, थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, देन क्या होगा? देन लार्ज अमाउंट अमाउंट ऑफ होल विल क्या होगा? विल डिफ्यूज फ्रॉम पी टू क्या होगा? पी टू फ्रॉम पी एंड लार्ज अमाउंट ऑफ लार्ज नंबर, अब लिखना चाहिए अमाउंट नहीं, नंबर लिख लेना यहाँ, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल डिफ्यूज फ्रॉम क्या होगा? फ्रॉम एन टू एन, फ्रॉम एन टू पी साइड। हेंस करंट फ्रॉम क्या होगा? फ्रॉम पी टू क्या होगा? पी टू एन फ्लो नॉन लिनियरली। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा, हमने दो केस कंसीडर किया। एक क्या होगा, अब तुम बोलोगे सर बैरियर पोटेंशियल बढ़ाने से क्या होगा, सॉरी ये जैसे फॉरवर्ड बायस क्या होता है कि जब फॉरवर्ड बायस आप क्या करोगे, इंक्रीज कराओगे। देखो ध्यान से, व्हेन फॉरवर्ड बायस इंक्रीज कराओगे तो विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। और जैसे ही क्या होगा, फॉरवर्ड बायस क्या होगा, ये बैरियर पोटेंशियल के जस्ट इक्वल हो जाएगा, उसके बाद क्या होता है, करंट क्या होता है, फ्लो होना शुरू हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बायस करंट बोलते हैं। तो इन फॉरवर्ड बायस क्या होगा डायोड इन फॉरवर्ड बायस विड्थ ऑफ द क्या होगा, विड्थ ऑफ डिप्लीशन डिप्लीशन रीजन डिक्रीजेस एज कंपेयर टू। देखो ऐसा क्यों होगा कि जब फॉरवर्ड बायस करोगे तो लार्ज नंबर अब क्या होगा, होल जो होगा क्या होगा, पी से एन तरफ डिफ्यूज होगा, और इसलिए यहाँ क्या होगा, रिकम्बिनेशन होगा, और उसकी वजह से क्या होगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, कंपेयर टू क्या हो जाएगा, अनबायस्ड पी एन जंक्शन डायोड जॉनसन डायोड। ठीक है, समझ में आया क्या? इनिशियली क्या होगा, देखो इधर क्या होगा, यहां ड्रिप करंट, एक चीज और लिखना, सिंस ड्रिप करंट डज नॉट डिपेंड ऑन द क्या होगा, लार्जली ऑन द क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। हियर क्या होगा, ड्रिप करंट विल क्या होगा, क्या हो जाएगा, ड्रिप करंट विल ऑलमोस्ट क्या होगा, कॉन्स्टेंट क्या हो जाएगा, ड्रिप करंट ड्रिप करंट विल क्या होगा, विल ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या होगा, कॉन्स्टेंट। आई मीन याद रखना, आई डी आर जो होगा वो क्या होगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब जब क्या करोगे, वी आई कैरेक्टरिस्टिक दिखाओगे तो देखो क्या होगा, इसमें फॉरवर्ड बायस में
कि हमने क्या किया, पीएन जंक्शन डायोड का फॉरवर्ड बायस क्या करना है, फॉरवर्ड बायस इसको वीएफ लिख लो, सबसे अच्छा है वीएफ, फॉरवर्ड बायस वोल्टेज। ठीक है, अब देखो क्या होगा कि कुछ हद तक क्या होगा, करंट फ्लो नहीं होगा, उसके बाद क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ क्या होगा, करंट फ्लो होगा, दिस इज कॉल्ड क्या होगा, फॉरवर्ड बायस करंट। ठीक है, और इधर क्या है, फॉरवर्ड बायस वोल्टेज, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड कट ऑफ वोल्टेज, क्या होगा, दिस इज कॉल्ड क्या होगा, कट ऑफ वोल्टेज, इसको हम क्या बोलते हैं, कट ऑफ वोल्टेज और बैरियर वोल्टेज, बैरियर पोटेंशियल। ठीक है, बैरियर पोटेंशियल, इसको हम क्या, वीनट, वीनट। तो ये जनरली क्या होता है, सिलिकन के लिए या जर्मेनियम के लिए, सिलिकन के लिए क्या होता है, फॉर सिलिकन। ठीक है, फॉर क्या होगा, फॉर, नितिन यार मारकर कोई काम नहीं कर रहा, फॉर, अरे यार, फॉर सिलिकन वी नट इक्वल टू क्या होगा, 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकन एस आई, और इक्वल टू क्या होगा, 0.3 वोल्ट फॉर क्या होगा, जर्मेनियम। ये भी याद रखना कि जो नी वोल्टेज होता है या थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है वो, या बैरियर पोटेंशियल जो होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट फिनोमेना होता है। क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट फिनोमेना होता है, वो क्या चीज़ पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जैसे ही क्या करोगे आप, बैरियर पोटेंशियल क्या करोगे, बढ़ाओगे, सॉरी टेम्परेचर बढ़ाओगे, वैसे ही क्या होगा, बैरियर पोटेंशियल या जंक्शन पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा, और ये जो कर्व होगा वो क्या होगा, किधर शिफ्ट होगा, इधर शिफ्ट होगा, लेफ्ट शिफ्ट होगा। ठीक है, क्या होगा, लेफ्ट शिफ्ट। अब यहाँ एक फॉरवर्ड बायस क्या होता है, रेसिस्टेंस भी होता है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस, आई मीन रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय क्या होगा, पीएन जंक्शन डायोड ड्यूरिंग क्या होगा, फॉरवर्ड कंडीशन इज कॉल्ड क्या होगा, फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस। ठीक है, या इसको हम बोलते हैं डायनेमिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इसको, डायनेमिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी क्या होगा, फॉरवर्ड बायस क्या होगा, वोल्टेज जो होगा वो क्या होगा, नी वोल्टेज या क्या होगा, कट ऑफ वोल्टेज या जंक्शन पोटेंशियल से क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, तो करंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, नॉन लिनियरली क्या होता है, इंक्रीज होता है। इसलिए पीएन जंक्शन डायोड जो होता है वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन लिनियर डिवाइस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, या नॉन ओमिक डिवाइस बोलते हैं। ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड को। तो एक पॉइंट और लिख लेना कि नी वोल्टेज, यहाँ एक पॉइंट लिख लेना कि नी वोल्टेज, नो में क्या लिखोगे, नोट में क्या लिखोगे कि बैरियर पोटेंशियल और नी वोल्टेज और जंक्शन पोटेंशियल डिपेंड ऑन क्या होगा, टेम्परेचर। ठीक है, समझ में आया ना, एज टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीजेस, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, याद रखना एज टी क्या होगा, इंक्रीजेस, वी नट क्या होगा, डिक्रीजेस, एंड ग्राफ विल शिफ्ट लेफ्ट। ठीक है, समझ में आना, जैसे तुमसे कभी कभी पूछा जाए, ये क्या है, फॉरवर्ड करंट और फॉरवर्ड बायस वोल्टेज, तो ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, ग्राफ दिया हुआ है, ये T1 टेम्परेचर पे है और ये क्या है, T2 पे है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, T2 जो होगा वो क्या होगा, T1 से क्या होगा, बड़ा होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या होगा, ऑफ टेम्परेचर। यहाँ देखो इसका बैरियर पोटेंशियल क्या है, 1 है, और इसका बैरियर पोटेंशियल क्या है, 2 है, तो ऑफ कोर्स V2 इज लेस देन क्या होगा, V01। ये
एक और पॉइंट याद रखना कि क्या होगा, ड्रिफ्ट करंट जो होता है वो क्या होता है, टेम्परेचर पे भी क्या होगा, डिपेंडेंट होगा, विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन पे क्या होगा, डिपेंड होगा, ठीक है। तो एक पॉइंट और मैं लिख देता हूँ, ये समझ में आया क्या, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे मी वोल्टेज जो होगा, आप बैरियर पोटेंशियल, बैरियर हाइट जो होगा वो क्या होगा, डिग्री जो होगा, और ये जो ग्राफ जो होगा वो क्या होगा, पीछे आई मीन लेफ्ट की तरफ क्या होगा, ओरिजिन की तरफ क्या होगा, शिफ्ट होगा। इसको क्या बोलते हैं, वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पी एन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड कंडीशन। अब रिवर्स बायस में क्या होगा, ये मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। ठीक है, तो फॉरवर्ड बायस में क्या होगा, क्या देना है कि पी जो होगा वो किधर से, फॉरवर्ड बायस जब करोगे तो क्या होगा, फॉरवर्ड बायस में क्या होगा, बैटरी का हायर टर्मिनल पी साइड कनेक्टेड होगा और लोअर टर्मिनल क्या होगा, एन साइड कनेक्टेड होगा। फॉरवर्ड बायस में क्या करोगे, क्या होगा कि पी साइड से होल जो होगा एन के तरफ डिफ्यूज होगा और इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या होगा, एन से क्या होगा, पी के तरफ डिफ्यूज होगा, है ना। जब कब तक करंट फ्लो नहीं होगा, जब तक जो फॉरवर्ड बायस वोल्टेज है वो क्या है, बैरियर पोटेंशियल से क्या है, कम है। जैसे ही बैरियर पोटेंशियल क्या होगा, फॉरवर्ड बायस बैरियर पोटेंशियल से क्या होगा, बढ़ जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, ड्रिप करंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, ड्रिप करंट तो कांस्टेंट रहेगा, डिफ्यूजन करंट क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ क्या होगा, या लार्ज नंबर ऑफ होल जो होंगे पी से एन की तरफ क्या होंगे, डिफ्यूज करेंगे, एंड हेंस डिफ्यूजन करंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, डोमिनेट हो जाएगा, और इसलिए क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ क्या होगा, करंट फ्लो होगा, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ से देख तो डायनेमिक रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं, एक टर्म यहाँ लिख लेना, फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस क्या होगा, फॉरवर्ड बायस्ड रेसिस्टेंस, और क्या होगा, डायनेमिक रेसिस्टेंस बोलते हैं इसको। देखो यहां क्या होगा, थोड़ा इस पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, देखो स्लोप ऑफ, हम लिख सकते हैं स्लोप, स्लोप ऑफ क्या होगा, स्लोप कितना होगा, स्लोप, स्लोप इज इक्वल टू क्या होगा, देखो तो डेल्टा आई एफ अपॉन क्या होगा, डेल्टा वी एफ, ठीक है। यहां से ऐसे भी लिख सकते हैं, स्लोप इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, वन अपॉन डेल्टा वी एफ अपॉन क्या लिखेंगे, डेल्टा आई एफ, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, इसको हम क्या बोल देंगे, आर डी, और इसी को क्या लिखते हैं, आर एफ, फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस। समझ में आया ना, तो याद रखना है क्या होगा कि इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफर बाय द डायोड क्या होगा, इज कॉल्ड डायनेमिक रेजिस्टेंस और फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस। तो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय क्या होगा, बाय पी एन जंक्शन डायोड, डायोड इन फॉरवर्ड कंडीशन, फॉरवर्ड कंडीशन इज कॉल्ड क्या होगा, इज कॉल्ड फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। अब एक पॉइंट याद रखना है, समझ में आया ना, स्लोप से क्या मिलेगा तुमको, रेजिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। अब यहां एक पॉइंट याद रखना है, क्या होगा कि जनरली क्या होगा, जो फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस होता है वो मिली एम्पियर में होता है, ठीक है। तो यहां लिखना है कि क्या होगा कि फॉरवर्ड बायस्ड, फॉरवर्ड बायस्ड रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज क्या होता है, वेरी स्मॉल, एंड याद रखना है कि आइडियली, आइडियली डायोड ऑफर, ऑफर जीरो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस,
आर एफ क्या होगा, आर एफ फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस इज क्या होगा, जीरो, किसके लिए, फॉर आइडियल डायोड। ये आगे हम पढ़ेंगे अभी, फॉरवर्ड फॉर आइडियल डायोड, ठीक है, समझ में आया। अब हम क्या लिखेंगे, देखो रिवर्स बायोस, पीएन जंक्शन क्या होगा, देखो क्या होगा रिवर्स बायस में, रिवर्स बायस में क्या होगा, देखो ये क्या है, एन साइड, एन टाइप, ये क्या हुआ, दिस इज पी टाइप, इधर क्या है देखो इलेक्ट्रॉन, इधर क्या है पॉजिटिव चार्ज, देखो विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, समझ में आया क्या। अब यहाँ क्या होगा, यदि बैटरी का हायर टर्मिनल, लोअर टर्मिनल पी साइड और हायर टर्मिनल क्या होगा एन साइड, तो इसको क्या बोलते हैं, रिवर्स बायस वोल्टेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इसको, रिवर्स बायस वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। तो अब रिवर्स बायस में क्या होगा ये लिखते जाएंगे, जनरली से सर्किट से क्वेश्चन आता है जो हम पढ़ेंगे अभी तो थोड़ी देर में, इसके जस्ट बाद क्या होगा कि इन फॉरवर्ड, इन रिवर्स बायस, इन इन रिवर्स बायस पीएन जंक्शन क्या होगा, जंक्शन डायोड, पहला पॉइंट क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी क्या होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड टू एन साइड एंड निगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड पी साइड, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या होगा, समझ में आया ना, ये पॉइंट वाइज लिख रहे, उसके बाद क्या होगा कि विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन क्या होगा, देखो बैरियर पोटेंशियल क्या होगा, बैरियर पोटेंशियल और जंक्शन पोटेंशियल, देखो ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बैरियर पोटेंशियल और जंक्शन, जंक्शन पोटेंशियल और इसी को क्या बोलते हैं, और बैरियर हाइट, हाइट क्या होगा इंक्रीजेस, हेंस डिफ्यूजन करंट क्या हो जाएगा डिक्रीजेस, डिफ्यूजन करंट, आई डिफ्यूजन क्या हो जाएगा डिक्रीजेस, एंड ड्रिप करंट एंड आई डी आर, डी आर रिमेन क्या होगा, रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, समझ में आया ना, क्या हो जाएगा विथ ऑफ द डिप्लीशन रीजन क्या होगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा किसके रिस्पेक्ट में, विथ कंपेयर टू क्या होगा अनबायस्ड, अनबायस्ड के रिस्पेक्ट में क्या होगा, बढ़ जाएगा बैरियर हाइट, बढ़ जाएगा डिफ्यूजन करंट जो होगा वो क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन ड्रिप करंट क्या हो जाएगा एज इट इज जाएगा, कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा डिफ्यूजन करंट क्या होगा, देखो ये तो ये डिक्रीज हो रहा है, ये क्या है कॉन्स्टेंट है, समझ में आया ना, तो कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा ये, अब देखो ये डिक्रीज होते रहेगा, एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि ये और ये क्या हो जाएंगे सेम हो जाएंगे, और उसके बाद क्या हो जाएगा ड्रिप करंट जो होगा वो क्या हो जाएगा डोमिनेट हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि डिफ्यूजन बाद में क्या हो जाएगा रुक जाएगा, और ड्रिप करंट क्या होता है, ड्रिप करंट इज क्या होगा ड्यू टू क्या होगा थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर इन द क्या होगा, इन द क्या होगा डिप्लीशन रीजन।
अब जैसे ही क्या होगा, इसमें होल पेयर जनरेट होगा तो क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, सडनली होल इलेक्ट्रॉन पेयर तो हर जगह हर मटेरियल के हर पार्ट में जनरेट हो रहा है, लेकिन जंक्शन में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए क्या होगा कि जैसे ही होल इलेक्ट्रॉन पेयर जनरेट होगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसको क्या करेगा, ड्रिफ्ट कर देगा, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से काइनेटिक एनर्जी गेन कर जाएगा और जंक्शन के अक्रॉस मूव कर जाएगा, जिसके वजह से क्या होगा, करंट फ्लो होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, करंट फ्लो होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हो जाता है ड्रिफ्ट करंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, किधर हो जाएगा, किधर हो जाएगा बता सकते हो, ड्रिफ्ट करंट इधर ऐसे, सॉरी डिफ्यूजन करंट, गलत बोल रहा हूँ, आई हाँ सॉरी ड्रिफ्ट करंट, डिफ्यूजन नहीं। और ये ड्रिफ्ट करंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है अप टू क्या होगा, सर्टेन पोटेंशियल। तो यहां मैं लिख देता हूं, क्या होगा, इफ वी इंक्रीज, क्या होगा, इफ वी इंक्रीज रिवर्स बायस वोल्टेज, ठीक है, क्या होगा, इफ एज, क्या होगा, एज एज रिवर्स बायस बायस वोल्टेज, क्या होगा, वोल्टेज इंक्रीजेस अप टू, क्या होगा, अप टू सर्टेन वैल्यू, ड्रिफ्ट करंट क्या हो जाएगा, सर्टेन वैल्यू कॉल्ड ब्रेकडाउन, क्या होगा, ब्रेकडाउन वोल्टेज, सर्टेन वैल्यू कॉल्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज, ड्रिफ्ट करंट रिमेन कॉन्स्टेंट। समझ में आया ना, क्या हो जाएगा, रिमेन कॉन्स्टेंट। एंड एज वी इंक्रीज, जैसे ही नेगेटिव डायरेक्शन में क्या करोगे, आई मीन वी आर को ब्रेकडाउन वोल्टेज से क्या करोगे, आप थोड़ा भी बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा, जो करंट होगा वो क्या होगा, बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ क्या होगा, करंट फ्लो हो जाएगा, ठीक है। और आफ्टर दैट आप क्या होगा कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस जो पीएन जंक्शन डायोड होगा वो क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा, उसको बोलते हैं ब्रेकडाउन रीजन, क्या बोलते हैं, ब्रेकडाउन। तो क्या होगा, एज, क्या होगा, एज एज वी आर, एज वी आर इज जस्ट इक्वल टू, क्या होगा, इक्वल टू ब्रेकडाउन वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज लार्ज करंट विल, क्या होगा, विल फ्लो इन रिवर्स बायस कंडीशन ड्यू टू, क्या होगा, ड्यू टू एवलेंच ब्रेकडाउन एंड, क्या होगा, एंड एवलेंच ब्रेकडाउन, और क्या होगा, और जीनर ब्रेकडाउन। क्या होगा, जीनर ब्रेकडाउन। तो ठीक है, तो इस सिचुएशन में दो मैकेनिज्म होता है जिसको हम देखेंगे। अब तो देखो क्या होगा, रिवर्स बायस, इधर क्या है, आई एफ, और इधर क्या होगा, आई आर रिवर्स बायस, इधर क्या आएगा, वी एफ, और इधर क्या हो गया, वी आर। अभी अपने को इधर इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या होगा, यहाँ अगेन क्या होगा, सर्टेन वैल्यू तक इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेकडाउन, ठीक है। तो क्या होगा, सेम रहता है, और उसके बाद क्या होगा, सडनली करंट जो होता है वो बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ क्या होता है, फ्लो होता है। उसके बाद वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस क्या होगा, पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, रिमेन कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। इसको आई जेड बोलते हैं, जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं। यहाँ तक क्या होता है, वोल्टेज कॉन्स्टेंट होता है। जैसे ही क्या होगा, ये ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज़्यादा होगा, उस सिचुएशन में क्या होगा,
क्या होगा, ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, इसको आई आर मीन लिख देते हैं, ठीक है। और इधर कहीं क्या होगा, आई आर मैक्स होगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड क्या होगा, ब्रेकडाउन रीजन, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड ब्रेकडाउन रीजन। अब ऐसा क्यों होता है वो मैं बता रहा हूं तुमको, ठीक है। अब दो तीन पॉइंट यहां याद रखना, क्या होगा कि रिवर्स सैचुरेशन करंट या रिवर्स करंट जो होता है क्या होता है, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। क्या होगा, ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होगा, ब्रेकडाउन वोल्टेज डिपेंड ऑन क्या होगा, डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ठीक है। एज टेम्परेचर क्या होगा, एज टी इंक्रीजेस ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा वो क्या होगा, डिक्रीजेस। एंड आई मीन क्या होगा, आई आर मीन रिवर्स सैचुरेशन करंट जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीजेस। याद रखना है, समझ में आया ना। अभी जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये क्या होगा, थोड़ा नीचे से, क्यों टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिवर्स क्या होगा, पीएन जंक्शन आई मीन जंक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर क्या होगा का जनरेशन होगा, और होल एंड इलेक्ट्रॉन पेयर विल गेन काइनेटिक एनर्जी दैट सॉरी गेन काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट एग्जिस्ट अक्रॉस द जंक्शन, एंड हेंस जो होगा वो क्या होगा, करंट जो होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो याद रखना है कि जब क्या करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये ब्रेकडाउन क्या होगा, इधर हो जाएगा। जैसे एक ऐसे एक ग्राफ दिया हुआ, देखो ध्यान से, ऐसे ये मान लो क्या है, ये T1 टेम्परेचर पे क्या है और ये T2 टेम्परेचर पे है, ठीक है। तो तुमसे कोई पूछे कि T2 और T1 में कौन सा बड़ा होगा तो क्या बताओगे तुम, देखो तो ऑफकोर्स क्या होगा, T2 इज ग्रेटर देन क्या है, T1, ठीक है। क्या है, T2 इज ग्रेटर देन क्या है, T1, समझ में आया। अब ये मैकेनिज्म क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे कि जीनर ब्रेकडाउन क्या होता है और एवलेंस ब्रेकडाउन क्या होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ हम यदि अब दोनों को कंबाइन करके ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं, क्या है वी आई कैरेक्टरिस्टिक और क्या होगा पी एन जंक्शन डायोड, ठीक है, पी एन जंक्शन डायोड दोनों को मैं साथ ड्रॉ कर देता हूँ। देखो इधर क्या होगा, आई एफ फॉरवर्ड बायस करंट इज जनरली मीडियम पेयर में, इधर क्या होता है आई आर, इधर क्या होगा बायस करंट, है ना, ठीक है, सॉरी बायस वोल्टेज, फॉरवर्ड बायस वोल्टेज, और इधर क्या होगा रिवर्स बायस। तो देखो यहाँ क्या होगा कि सर्टेन वोल्टेज तक क्या होगा करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, और कुछ ऐसा, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज, दिस इज कॉल्ड क्या होगा वी नॉट, इसको हम क्या बोलेंगे नी वोल्टेज, ठीक है। यहाँ क्या होगा रिवर्स बायस करंट जो होता है, सॉरी रिवर्स बायस, एक पॉइंट याद रखना, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द क्या होगा डायोड इन रिवर्स बायस कंडीशन क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफर्ड, ये बहुत ही स्मॉल होता है, देखो ये आई आर हम क्या लिखेंगे मीन, ठीक है, बहुत ही छोटा होता है और टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। आई आर मीन क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफर इन क्या होगा रिवर्स बायस्ड कंडीशन इज कॉल्ड रिवर्स्ड बायस रेजिस्टेंस, रिवर्स बायस्ड रेजिस्टेंस, समझ में आया ना, इसको हम क्या बोलते हैं। और यहां लिख लेना कि आइडियली क्या होता है, आइडियली आर आर रिवर्स बायस क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, ये याद रखना है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही कम करंट, ये याद रखना, इधर क्या होता है माइक्रो एम्पियर में होता है करंट इधर, और ये क्या होता है मिली एम्पियर में होता है, ठीक है, क्या होता है मिली
एम्पियर में होता है। अब देखो यहाँ तुमको मैं बाद में बताता हूँ कि एवलेंच और जीनर ब्रेकडाउन क्या होता है, पहले ही लिख लो, बाद में बताऊंगा। अब सिंबल देखो, सिंबल फॉर, फिर से बता देता हूँ, सिंबल सिंबल फॉर क्या होगा, पी एन, जंक्शन क्या होगा, जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड में क्या होता है देखो, इसको हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, बार। देखो ये क्या होता है एन साइड और ये क्या होता है पी साइड, ठीक है, और इसको एरो हेड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एरो हेड। इसको हम क्या बोलेंगे, एरो हेड, ठीक है। तो कैसे पहचानोगे कि डायोड जो है वो क्या है, फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस है, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा फॉरवर्ड बायस में, क्या होगा, ये डायोड क्या है, डायोड इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच अलाउ करंट ओनली फ्लो इन वन डायरेक्शन एंड अपोज द करंट फ्लोइंग फ्रॉम द अदर डायरेक्शन। आई मीन क्या होगा, एरो हेड के डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा तो हम क्या बोलेंगे, ये फॉरवर्ड बायस है। और देखो तो इसको हम क्या बोलेंगे, देखो ध्यान से, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज क्या होगा फॉरवर्ड बायस, ये फॉरवर्ड बायस हुआ है, दिस इज कॉल्ड क्या होगा आईएफ। इधर कैसे फ्लो होगा, इधर देखो एरो हेड के डायरेक्शन में यदि करंट फ्लो हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, इसको फॉरवर्ड बायस बोलेंगे। समझ में आया ना, क्या बोलेंगे हम इसको, फॉरवर्ड बायस, ठीक है। फॉरवर्ड बायस में क्या होगा, याद रखना है, फॉरवर्ड बायस्ड, फॉरवर्ड ठीक है। तो फॉरवर्ड बायस में क्या होगा, करंट का डायरेक्शन क्या होगा, एरो हेड के डायरेक्शन में आएगा करंट, करंट डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, देखो डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। तो यदि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, एरो हेड के डायरेक्शन में है, तो हम क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड बायस है। इसमें देखो क्या है, रिवर्स बायस में क्या होगा, रिवर्स बायस में, सॉरी यहां करंट का डायरेक्शन कैसे है, ऐसे, समझ में आया ना। तो करंट का डायरेक्शन कैसे होगा, यदि क्या होगा, एरो हेड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो हम क्या बोलेंगे कि डायोड जो है वो क्या है, डायोड जो है वो क्या है, रिवर्स बायस है, याद रखना, फॉरवर्ड बायस में। यही दो पहचानने का तरीका है, इसको याद रखना है, समझ में आया ना। क्या होगा फॉरवर्ड बायस में, क्या होगा, बैटरी का हायर टर्मिनल पी साइड, ये क्या होगा पी साइड होता है, और ये क्या होता है एन साइड होता है, इसमें क्या होगा पी साइड और ये क्या होगा एन साइड, ठीक है। तो रिवर्स बायस में क्या होगा, करंट क्या होगा, एरो हेड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। फॉरवर्ड बायस में क्या होगा, एरो जो होगा वो क्या होगा, सॉरी करंट जो होगा एरो हेड के क्या होगा, डायरेक्शन में होगा। तो यहां दो पॉइंट लिख लेता हूं, इन फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस्ड क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट इन इन डायोड इज अलोंग एरो हेड, ठीक है, समझ में आया ना। इन क्या होगा, रिवर्स बायस्ड, डायरेक्शन ऑफ क्या होगा करंट इज अपोजिट टू द क्या होगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एरो हेड, एरो हेड के क्या होगा अपोजिट डायरेक्शन में होगा। दो पॉइंट तुमको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है, समझ में आया। जैसे एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, एग्जांपल के लिए देखो, कुछ नहीं करना है तुमको, बताना है बस। इसमें ये जरूरी है क्योंकि इससे बहुत सर्किट से बहुत आसान आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। कि जैसे देखो, यहाँ ध्यान से देखो, मुझे कुछ नहीं करना है अभी,
में हम देखते हैं। एक ही ट्रिक बता रहा हूं, दूसरा कुछ नहीं। क्या करो, तुमको तो मालूम है, ये देखो क्या है R1, this is R2, ठीक है। ये क्या होगा, करंट इधर से आ रहा है I, इधर करंट क्या होगा I1, इधर क्या है करंट I2। ये D1 मान लो, ये D2, और ये क्या होगा D1। तो कौन कौन सा डायोड जो है फॉरवर्ड बायस है बताओ। देखो तो एरो के डायरेक्शन में क्या है, करंट किधर है, एरो के डायरेक्शन में किधर है, इधर। तो D2 क्या लिखेंगे, D2 क्या होगा, D2 विल बी क्या होगा फॉरवर्ड फॉरवर्ड बायस। एंड D1 जो होगा वो क्या होगा, D1 विल बी क्या होगा रिवर्स बायस्ड। अभी बाद में बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है, फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस, समझ में आया ना। केवल देखो कि एरो क्या होगा, एरो के डायरेक्शन में यदि करंट होगा तो फॉरवर्ड बायस, एरो के अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो क्या होगा रिवर्स बायस, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देख लो एक देखो यहां ध्यान से देखो, और भी ये जरूरी है क्वेश्चन, इसे आता है और जनरली क्या होता है, हम क्या करते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, ये R हो गया, ये भी है, क्या है D1, ठीक है D2, D3। देखो यहां से करंट I आया, इधर करंट I1, I2, इधर करंट क्या होगा I3, I जाएगा, ठीक है। अब कौन फॉरवर्ड बायस होगा बताओ। देखो तो एरो हेड के डायरेक्शन में किसमें करंट है I1, तो क्या लिखेंगे यहाँ D1, D2 क्या होगा फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस। और D3 जो होगा वो क्या होगा रिवर्स बायस, ठीक है। ये तुमको क्या करना है, ध्यान देना है, क्योंकि सर्किट से रिलेटेड प्रॉब्लम आसान आसान आता है, फिर भी हम क्या करते हैं छोड़ देते हैं, ठीक है। ये समझ में आया कि कौन फॉरवर्ड बायस है, कौन रिवर्स बायस है। एरो के डायरेक्शन में करंट अपने से, मान लो एरो के डायरेक्शन में करंट जो जिस डायोड में फ्लो होगा उधर क्या हो जाएगा, वो डायोड जो होगा फॉरवर्ड बायस होगा। एरो के अपोजिट डायरेक्शन, देखो एरो इधर किधर है, ऐसे करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है इसलिए रिवर्स बायस हो गया, ठीक है। इसमें मैं तुमको दो तीन न्यूमेरिकल बताता हूं जो जनरली पूछा भी जाता है। पहले हम इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ क्रिस्टल डायोड लिख ले, है ना। देखो इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ पी एन जंक्शन जंक्शन डायोड, ठीक है, समझ में आया। अब देखो पीएन जंक्शन डायोड क्या है, यही पीएन जंक्शन डायोड हुआ, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है फॉरवर्ड वोल्टेज है वीएफ, ठीक है। इधर से फॉरवर्ड करंट है फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब देखो सर्किट, पहले मुझे लिख लेने दो, तीन तरह के क्या होगा सर्किट अपने को पढ़ना रहता है। अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट, देखो क्या है अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है। दूसरा जो होगा वो क्या होगा सिंप्लीफाइड सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट। और तीसरा जो होता है वो आइडियल, क्या होगा आइडियल डायोड मॉडल, है ना। ठीक है, अब वन बाय वन हम पढ़ेंगे। पहले हम क्या पढ़ेंगे, देखो बेसिकली क्या है, ये अपने को नहीं पढ़ना है, ठीक है। क्या है, ये अपने को नहीं पढ़ना है तो इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। अपने को सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट सर्किट में सर्किट को क्या करना है पढ़ना है। इसमें सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट सर्किट ये नहीं पढ़ना है अपने को, ये इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है। तो हम क्या करेंगे, ये नहीं पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे। इसमें हम क्या करते हैं, देखो ध्यान से कि समझ में आया ना, तो हम सेकंड वाला पढ़ेंगे। कौन सा सेकंड, या चलो बता देता हूँ, कहीं पूछा जाए, इसमें कुछ बड़ा ये नहीं है,
चलो बता देता हूँ, इसमें क्या होगा अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है। देखो ये क्या है, डायोड है, समझ में आया ना। यहाँ ये बैटरी से हमने क्या किया, कनेक्ट कर दिया, इधर से क्या होगा करंट फ्लो होगा, इसको हम क्या बोलेंगे आई। इसमें हम क्या करते हैं, डायोड को क्या करते हैं, जंक्शन पोटेंशियल, इसके जंक्शन पोटेंशियल और फॉरवर्ड डायरेक्शन से क्या करते हैं हम रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। ये क्या है वी नट, इधर से करंट क्या होगा आई एफ, ए वी एफ, समझ में आया ना। ए क्या करते हैं, दिस इज आर एफ, क्या मतलब फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, आई एफ क्या होगा फॉरवर्ड बायस करंट, वी नट क्या है जंक्शन पोटेंशियल, या इसी को क्या बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल, क्या बोलते हैं हम इसको बैरियर पोटेंशियल बोलते हैं, समझ में आया ना, क्या बोलते हैं हम इसको बैरियर पोटेंशियल, ठीक है। तो यहां ठीक है, अब देखो यहां जब आप सर्किट डायग्राम ओम्स लॉ यूज करो, सॉरी ओम्स लॉ नहीं, सॉरी किरचॉफ्स लॉ, तो किरचॉफ्स लॉ यूज करके क्या लिख सकते हो, दिस इज फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस, दिस इज क्या होगा नी वोल्टेज, ठीक है। यहां लिख देता हूं वी ओ, क्या मतलब क्या हुआ जंक्शन, जंक्शन और क्या होगा और बैरियर पोटेंशियल, ठीक है। क्या होगा जंक्शन और बैरियर पोटेंशियल, इसका वैल्यू क्या होगा 0.7 वोल्ट होता है फॉर क्या होगा फॉर सिलिकन, और क्या होगा 0.3 वोल्ट फॉर क्या होगा जर्मेनियम, ठीक है। तो हम क्या करते हैं अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट में हम क्या करते हैं डायोड को क्या करते हैं, डायोड इज रिप्लेस बाय क्या होगा बैरियर पोटेंशियल और जंक्शन पोटेंशियल एंड फॉरवर्ड बायस रेसिस्टेंस, ठीक है। अब इसके बाद जब आप इसका डायग्राम ड्रॉ करते हो तो आपको मालूम है, देखो यहां हम लिख सकते हैं वी एफ इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं वी नट प्लस क्या होगा आई एफ क्या होगा आर एफ। अब ये मत बोलना कि ये लिनियरली वैरी करेगा यार, है ना, ग्राफ वही होगा, याद रखना जो मैंने बताया था, ठीक है। इधर वी एफ है तो ग्राफ क्या होगा ऐसे ही होगा, इसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं होगा, याद रखना, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा ओम्स लॉ को फॉलो कर देगा, ठीक है। तो एक क्या है, एक मॉडल ये है, दूसरे में हम क्या करेंगे सिंप्लीफाइड मॉडल में क्या करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, जब कुछ भी नहीं दिया हुआ हो तो इसको हम कंसीडर करते हैं, और आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है इससे, ठीक है। तो सेकंड जो है क्या है सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा मॉडल, तो इसमें क्या करते हैं डायोड का जो रेजिस्टेंस होता है फॉरवर्ड रेजिस्टेंस उसको हम क्या मानते हैं जीरो। डायोड देखो क्या करते हैं, डायोड फॉरवर्ड रेजिस्टेंस क्या मानते हैं, इज क्या होगा आर एफ इज इक्वल टू जीरो, और ठीक है फॉरवर्ड बेस आई मीन इसमें हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से कि ये डायोड है पीएन जंक्शन डायोड, ये फॉरवर्ड बायस हो गया, इधर से करंट आई एफ, ठीक है। इधर ए वी है, ए वी नट है, ठीक है। तो यहां क्या करेंगे हम, इसको क्या करते हैं जस्ट क्या करेंगे, डायोड इज रिप्लेस बाय क्या होगा बैरियर पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल, ठीक है। क्या हो जाएगा बैरियर पोटेंशियल से हम क्या करेंगे रिप्लेस कर देंगे, समझ में आया ना, सिंपल। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा वी नट, ए भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ सिंपल क्या करना है, डायोड इज रिप्लेस बाय क्या होगा, इसमें हम क्या करते हैं डायोड को क्या करते हैं उसका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस जीरो मान लेते हैं, और क्या होगा आई आई एफ, ठीक है। तो जो करंट फ्लो होगा वो क्या हो जाएगा तुम्हारा बता सकते हो, इसमें यदि ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ किया जाए तो डायोड क्या होगा, डायोड
इज रिप्लेस्ड बाय क्या होगा, जंक्शन पोटेंशियल। डायोड इज क्या होगा, रिप्लेस्ड बाय क्या होगा, जंक्शन पोटेंशियल। एंड क्या होगा, एंड रेजिस्टेंस ऑफ डायोड इज कंसीडर क्या होगा, कंसीडर्ड जीरो। बस यही पॉइंट क्या करना है, याद रखना। अब यहाँ देखो तो आई एफ इज इक्वल टू क्या होगा, वी नट अपॉन क्या होगा, आर डी, ठीक है, या आर एफ। अभी तो क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है, क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, सही लिखा ना मैंने, ठीक है। तो अब ये देखो करंट कब फ्लो होगा, तुमको मालूम है ना, यहां ऐसे नहीं है कि जैसे ही आपने बैटरी, ये बैरियर पोटेंशियल से क्या होगा, जब ज्यादा होगा तो सर्किट में क्या होगा, करंट फ्लो होगा। ये कभी कभी पूछा जाता है, ये ग्राफ दे दिया जाएगा, करंट वर्टेक्स क्या है, यहाँ देखो ये हमने वी अप्लाई किया है और यहाँ क्या है आई एफ। तो जब तक करंट जो होगा ये नी वोल्ट, सॉरी फॉरवर्ड आई मीन बायसिंग वोल्टेज जो होगा नी वोल्टेज से ज्यादा नहीं होगा तब तक करंट नहीं फ्लो होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, करंट ऐसे होगा, ये सिलिकॉन के लिए इसको हम क्या बोलते हैं, वी नट, ठीक है, ये बायसिंग वोल्टेज और ये क्या है, फॉरवर्ड बायस करंट, ठीक है। तो इसका ग्राफ जो होता है वो क्या होता है, ऐसे होता है। तो एक पॉइंट याद रखना है, तो सिंपली कि क्वेश्चन में यदि कुछ नहीं दिया हुआ हो तो हम सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट सर्किट कंसीडर करते हैं, ठीक है। देखो नोट में लिख लेना है कि ऑलवेज ऑलवेज कंसीडर्ड सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट सर्किट इफ नथिंग इज गिवन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमको मैं बताऊंगा। उसके बाद क्या है, आइडियल डायोड मॉडल क्या है, थर्ड जो है वो क्या है, आइडियल डायोड मॉडल। तो आइडियल डायोड मॉडल में हम क्या करते हैं, देखो ध्यान से, फॉरवर्ड बायस में क्या करते हैं, डायोड इज रिप्लेस्ड बाय क्या होगा, देखो फॉरवर्ड बायस में क्या करेंगे, डायोड रिप्लेस बाय क्या होगा, क्लोज स्विच, ठीक है। तो देखो ये डायोड है, देखो फॉरवर्ड बायस कैसे पहचानोगे, करंट जब ऐसे फ्लो हो रहा, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा कि डायोड को हम, देखो ये आई एफ है, ठीक है, तो डायोड को हम क्या करेंगे, डायोड इज रिप्लेस बाय क्या होगा, क्लोज स्विच। डायोड को हमने क्या किया है, क्लोज स्विच से क्या किया है, रिप्लेस कर दिया, ठीक है। आई मीन फॉरवर्ड बायस इसमें क्या होगा, आर एफ इक्वल टू जीरो होता है और ब्रेकडाउन वोल्टेज जो होता है वो भी क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। और रिवर्स बायस में क्या करेंगे, ठीक है, रिवर्स बायस में हम क्या करते हैं, क्या करेंगे इसको, रिवर्स बायस में क्या करेंगे, रिप्लेस बाय क्या होगा, ओपन स्विच। ये नोट में याद रखना, ठीक है, इन क्या होगा, इन रिवर्स बायस देखो ये क्या है, तो करंट इधर से फ्लो होगा, है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, देखो तो ये डायोड है, ये क्या है, रिवर्स बायस। तो डायोड इज रिप्लेस बाय क्या होगा, ओपन स्विच, ठीक है, समझ में आया ना। आई मीन डायोड को क्या करना है,
रिवर्स बायस में क्या करना है, ओपन स्टब। अब यहाँ आई एफ कैरेक्टरिस्टिक दिखाओगे, देखो आई एफ और ई वी फॉरवर्ड बायस वोल्टेज। तो देखो यहाँ क्या होगा, इधर इधर यहाँ से यहाँ करंट क्या होगा तुम्हारा, जीरो होगा, और यहाँ करंट क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। ये समझ में आया कैसे आएगा, अरे V इक्वल टू, क्योंकि ये तो जीरो हो गया है ना V नट। देखो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई एफ, आई एफ इज इक्वल टू क्या होगा, वी एफ अपॉन क्या होगा, आर एफ, वी एफ अपॉन क्या होगा, आर एफ। और ये तो जीरो हो गया यार, तो ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये जीरो हो गया, तो ऑफकोर्स क्या होगा, ये याद रखना है फॉर किसके लिए होगा, फॉर आइडियल डायोड। ठीक है, वी आई क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ये पूछा जाएगा। ठीक है, तुम यहां से देख सकते हो, क्योंकि देखो यहां ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है तो ग्राफ किधर शिफ्ट होता है, इधर शिफ्ट होता है। ठीक है, लेकिन ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है वो क्या है, जीरो है, इसलिए ऐसे पॉसिबल नहीं हो सकता। अब देखो हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस पे, सिंपल फाइंड द क्या होगा, फाइंड करंट, फाइंड फाइंड। तो याद रखना है जब कुछ नहीं दिया हुआ हो तो हम क्या कंसीडर करेंगे, डायोड के बारे में आइडियल नहीं बोला गया हो तो हम सिंप्लीफाइड सर्किट वाला इक्विवेलेंट सर्किट यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, ब्रेकडाउन वोल्टेज कंसीडर कर लेंगे, नी वोल्टेज कंसीडर करेंगे, और फॉरवर्ड रेजिस्टेंस को क्या मानेंगे, जीरो मानेंगे। ध्यान देना, इसलिए मैंने लिखा था फाइंड करंट, करंट इन द सर्किट इफ इफ ऑल डायोड आर आइडियल। तो आइडियल में क्या याद रखना है, फॉरवर्ड को रिप्लेस बाय क्या होगा, क्लोज, फॉरवर्ड बायस को क्या करना है, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड बायस में रिप्लेस बाय क्लोज स्विच, ओपन बायस में क्या करना है, रिप्लेस बाय, सॉरी रिवर्स बायस में क्या करना है, रिप्लेस बाय ओपन स्विच। ठीक है, जैसे देखो यहाँ एक, उसके बाद कुछ नहीं है, केवल यही कंफ्यूजन होता है। ठीक है, इसको मैंने D1 मान लिया, D2 मान लिया, ये V हो गया, ये चलो R, ये 2R मान लिया, है ना। ठीक है, समझ में आया। अब पहले चेक करो कि फॉरवर्ड बायस, पहले यहाँ से करंट मान लो, ये तो आ जाएगा ना तुम लोगों को, यहाँ करंट इधर आएगा I1 और इधर क्या हुआ I2। तो रिवर्स बायस कौन सा हो जाएगा यार बताओ, करंट एरो हेड के अपोजिट डायरेक्शन में किस में जा रहा है, तो दिस विल बी क्या होगा, डी टू, डी टू क्या होगा, रिवर्स बायस्ड। डी वन क्या होगा, डी वन फॉरवर्ड बायस। ठीक है, तो आइडियल है तो हमको क्या करना है, आइडियल में क्या करना है, रिवर्स बायस को ओपन स्विच और फॉरवर्ड बायस को क्या है, क्लोज स्विच। ठीक है, तो सर्किट हम क्या करेंगे, ड्रॉ कर देंगे फिर से। देखो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ये ओपन हो गया, ये इसको रिप्लेस क्या होगा, ओपन स्विच। ठीक है, रिवर्स बायस को, और इसको क्या करेंगे, रिप्लेस बाय क्या होगा, क्लोज स्विच। ठीक है, ये क्या हो गया, डी वन, और ये क्या हो गया, डी टू, ए आर, दिस इज क्या होगा, टू आर, और दिस इज क्या होगा, आई, दिस इज वी। अब तो यहाँ बता सकते हो, आई इक्वल टू क्या होगा, वी अपॉन थ्री आर हो जाएगा यार, बता सकते हो क्या, समझ में आने, ये आंसर हो गया। केवल यही याद रखना है, आइडियल दिया हुआ, आइडियल नहीं दिया हुआ होता तो हम ये दिया रहे कौन से मटेरियल से बना हुआ है, सिलिकॉन जर्मेनियम, तो उसका वोल्टेज हम कंसीडर कर लेंगे। समझ में आया ना, ये हमेशा क्या करना है तुमको, माइंड में रखना है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि तुमको समझ में आए, दूसरा क्वेश्चन देख लो एक। Thank you.
ठीक है, ये देखो D1, D2, D3, D4। जल्दी जल्दी बताओ कौन सा फॉरवर्ड है और कौन सा रिवर्स है, जल्दी। चलो ये 10 वोल्ट है, इसका वैल्यू ले लेते हैं, है ना। इसको 10 वोल्ट नहीं भी रहने दो, अगेन AR। कौन सा फॉरवर्ड बायस होगा जल्दी बताओ। देखो करंट मान लिए, करंट यहाँ से आई, इधर से आई, इधर से क्या होगा I1, इधर से क्या होगा I2, ठीक है, यहाँ आएगा, इधर से क्या होगा I3, इधर से क्या होगा I4, इधर से ठीक है I5 मान लेते हैं, इधर से आएगा करंट अगेन। कौन कौन सा फॉरवर्ड बायस है बताओ, तो हम बोल सकते हैं देखो D2 एंड D3, तो D2 D3 R क्या है, R रिवर्स बायस्ड, तो रिप्ले इनको क्या करना है, रिप्लेस बाय ओपन स्विच, और क्या है D1 D2 क्या है बताओ, D1 D4 है क्या है, D1 and D4 आर क्या है, आर फॉरवर्ड बायस, तो रिप्लेस देम बाय क्या होगा, रिप्लेस बाय क्या होगा, क्लोज स्विच, ठीक है। तो देखो सर्किट ऐसे हो जाएगा, इसके बाद सर्किट को क्या करो, रीड्रॉ कर लो, अगेन इधर से कुछ नहीं होगा, हो गया यार, इधर से आई आया, इधर से ये भी है, अगेन यहाँ आई इक्वल टू क्या होगा, भी अपन क्या हो जाएगा, टू। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बता रहा हूँ तुमको, है ना, ये याद रखना है, बस इसके बाद ये हो गया तुम्हारा। देखो ठीक है, इसका मतलब है ना ग्राउंडिंग, ठीक है, ये तुम भूले नहीं हो ना, इसका मतलब है ना ग्राउंडिंग, ये 4 वोल्ट है, ये क्या है 10 वोल्ट है, ठीक है। ये देखो ये सिलिकॉन डायोड है, कौन सा डायोड है, सिलिकॉन डायोड, अब ये नहीं दिया हुआ है, केवल दिया हुआ है फाइंड, क्या होगा फाइंड करंट, करंट इन द क्या है सर्किट, ठीक है, एज शोन इन द क्या होगा फिगर, ठीक है। अब देखो यहाँ ये नहीं दिया हुआ है कि ये डायोड आइडियल डायोड है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है, नहीं, तो हम क्या मानेंगे, क्या मानेंगे, जब कुछ नहीं दिया हुआ है तो सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट सर्किट कंसीडर करेंगे, आई मीन कंसीडर क्या होगा, कंसीडर RF इज क्या होगा 0, समझ में आया ना, R1 इक्वल टू क्या करेंगे 0 मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद तो मुझे क्या करना है यार, करंट का वैल्यू क्या करना है, अच्छा हमने यहाँ ऐसे दिया हुआ है, सॉरी यहाँ भी निकाल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा सा घुमा दूँ, ऐसे क्या होगा यार, पैरेलल में होता एक, उसको घर पे कैलकुलेट लेना है, ये बता देता हूँ, पैरेलल में देखो तो सिलिकॉन के लिए V0 का वैल्यू कितना होता है, V0 इक्वल टू 0.7 वोल्ट, यही होता है ना, इक्वल टू क्या होता है 0.3 वोल्ट, किसके लिए, जर्मेनियम के लिए, किसके लिए होता है, सिलिकॉन के लिए, तो इसमें कुछ नहीं है, वो वाला के लिए हम क्या करेंगे, दोनों क्या हो जाएंगे पैरेलल में हो जाएंगे, और पैरेलल में होता है तो सिंपल यही कंसीडर करते हैं, दोनों के लिए आंसर क्या होगा सेम आएगा, यहाँ से करंट आई, देखो तो ये I1 और ये क्या होगा I2, ठीक है, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा रिवर्स बायस हो गया, तो रिवर्स बायस के लिए क्या होगा, ये ओपन की तरह काम करेगा, ठीक है।
क्या होगा, रिवर्स बायस में क्या होगा, ओपन की तरह काम करेगा। अब यहां इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे, सिंप्लीफाइड। हमेशा रिवर्स बायस में इंफिनिटी रेजिस्टेंस मानते हैं, आइडियल रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, इंफिनिटी होता है। सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट सर्किट, तो देखो क्या हो जाएगा कि इसको क्या करेंगे, ये रिवर्स बायस हो गया, ठीक है, अब ऐसे मान सकते हैं, ऐसे मान सकते हैं क्या, 4 वोल्ट, और ये क्या होगा तुम्हारा 10 वोल्ट, और ये क्या हो जाएगा 0.7, इधर से करंट जाएगा आई, ठीक है। और यहाँ रेसिस्टेंस भी है, रेसिस्टेंस हमने नहीं माना क्या, क्योंकि ऐसे हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, R इक्वल टू क्या है 2 किलो, ठीक है, यहाँ भी कंसीडर कर लेना। तो बताओ कितना हो जाएगा, देखो तो डायरेक्ट लिखो I इज इक्वल टू, यहाँ से I जाएगा, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 माइनस 4.7 अपॉन क्या हो जाएगा 2 × 10⁻³, आई मीन क्या हो जाएगा 5.3/2 मिली एम्पियर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.65 मिली एम्पियर, ठीक है, समझ में आया ना। यहाँ से क्या होगा, करंट फ्लो होगा कितना 2.6 मिली एम्पियर। समझ में आया 2.6 मिली। एक और क्वेश्चन मैं बता दूं तुमसे, ये देखो अभी क्या है, एक और क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, देखो उसके बाद ये सिलिकॉन से बना हुआ है और ये क्या है जर्मेनियम से बना हुआ है, और ऐसे सोचो यहाँ क्या है, ये जर्मेनियम, याद रखना इसके लिए वी नट इज इक्वल टू क्या होगा 0.7, और इसके लिए क्या होगा वी नट, इधर से R मान लो, ठीक है, और इधर से V मान लो। केवल देखो यहां देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिसका बैरियर पोटेंशियल क्या होगा कम होगा वो क्या होगा, जब भी क्या याद रखना, डायोड क्या हो पैरेलल कनेक्ट हो, तो जिसका बैरियर पोटेंशियल कम होगा वो पहले क्या होगा कंडक्ट करेगा। तो याद में यहां क्या, डायोड, डायोड हैविंग क्या होगा, हैविंग लोअर बैरियर पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल विल कंडक्ट फर्स्ट, विल कंडक्ट क्या होगा, कंडक्ट फर्स्ट, कंडक्ट फर्स्ट का मतलब क्या हुआ, इधर से करंट चला जाएगा, जब तक इधर से करंट नहीं फ्लो हो रहा होगा तब तक क्या होगा इधर से ही करंट फ्लो हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे ओपन स्विच से रिप्लेस कर देंगे, और इसको क्या करेंगे क्लोज स्विच से रिप्लेस कर देंगे, और फिर करंट क्या करेंगे फाइंड आउट कर लेंगे। समझ में आया ना, तो कंडक्ट का मतलब क्या हुआ, दिस विल बी क्या होगा, ये यदि कुछ नहीं दिया आइडियल होगा तब ओपन स्विच और क्लोज स्विच। तो हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, यहाँ इसको क्या करेंगे रिप्लेस बाय क्या होगा ओपन स्विच, जो लेट से कंडक्ट कर रहा है और जो पहले कंडक्ट कर रहा है उसको हम उसके बैरियर पोटेंशियल से क्या करेंगे रिप्लेस कर देंगे सिलिकॉन, और ये क्या हुआ जर्मेनियम। यहाँ वोल्टेज दिया हुआ है कुछ, ये मान लो कि वी है, ये इसके लिए कितना होगा 0.3, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, देखो करंट कोई पूछे आई आर दिया हुआ है, तो आई इज इक्वल टू क्या होगा वी माइनस 0.3 अपॉन क्या हो जाएगा आर। अब मान लो कि V इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, V इक्वल टू 10 वोल्ट और R इक्वल टू क्या दिया हुआ है 2 किलो ओम,
ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। इधर से क्या होगा, ये पहले कंडक्ट कर देगा और ये कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है, समझ में आया ना। तो हम इसके तरह करंट मान लेंगे और इसको क्या करेंगे, ओपन स्विच से क्या करते हैं, रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। यहाँ क्या होगा, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 0.7 पॉइंट क्या होगा, आई मीन 99 पॉइंट क्या होगा, 3 अपॉन क्या होगा, 2 किलो ओम है ना, तो ये कितना आ जाएगा 4.65 मिली एम्पियर, ये क्या हो जाएगा तुमको करंट आ जाएगा, ठीक है। तो इस पार्ट में बस इतना ही, बहुत हो गया न्यूमेरिकल्स, ये न्यूमेरिकल्स आता है छोटा छोटा, इस पर प्रैक्टिस कर लेना। और इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, स्पेशल पर्पस डायोड पढ़ेंगे, जिसमें जीनर्ड ब्रेकडाउन और एवलेंस ब्रेकडाउन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अभी बस इतना ही, ओके, थैंक यू। जो सॉरी